स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारे चार क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उसमें दिया है एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको तीन तीन नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। देखिए, माइनस के 11 है, माइनस के 28 है, तो माइनस की डिजिट तो बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, हमारे पास दिया है प्लस का 15, तो क्या है इनमें सबसे बड़ी संख्या, प्लस की 15 है, क्योंकि माइनस की संख्या तो बड़ी हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, आंसर कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस पर हमें जो है सर्किल बनाना है। देखिए, 16 है, 20 है, ये तो है हमारे पास प्लस की, और 18 है हमारे पास माइनस का, तो माइनस की संख्या हम जानते हैं कि छोटी ही होती है प्लस की संख्याओं से, क्योंकि माइनस की संख्या तो जीरो से भी छोटी होती है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं उनमें भी सर्किल करना है। आगे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए, यहाँ दिया है माइनस के 16 और यहाँ दिया है माइनस के 72। अब एक बात का ध्यान करना है आपको कि जो माइनस में संख्याएं होती हैं, जितनी बड़ी संख्या होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी कि जो माइनस की 16 है ये बड़ी संख्या है, और माइनस के 72 जो है ये छोटी संख्या है। तो जिधर बड़ी संख्या होगी उस तरफ मुँह खुला हुआ होगा, जिधर छोटी संख्या होगी उस तरफ मुँह बंद होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको, इसमें दिया है राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनको किस तरीके से करना है, चलिए इनको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, 18 माइनस 17 माइनस 19 जीरो माइनस के 52, ये दे रखे नंबर, सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। अब देखिए, 52 माइनस का सबसे छोटा नंबर है, माइनस के 19 आएगा, फिर माइनस के 17, उसके बाद 0 और फिर प्लस का 18, क्योंकि प्लस के 18 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दिया है 0 माइनस का 72 माइनस के 92 62 और माइनस के 100। इसमें करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, प्लस वाली, तो क्या है 62, उसके बाद 0 आएगा, फिर माइनस के 72, फिर माइनस के 92 और उसके बाद माइनस के 100, क्योंकि माइनस में जो डिजिट बड़ी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो इस तरीके से ये आपको बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं कंप्लीट करने हैं।